कैसी हैं आप? कैसी लग रही हूँ? ब्यूटीफुल। मैंने दो बातें करनी है आपके साथ। अच्छा, वहां आकर करूंगा। आ जा। Well, how's my look? तू आज बहुत अच्छा लग रहा है। वाह। आज तो मुझे ऐसे लग रहा कि मैं ऐसे करूंगा हाथ से शक्तियां निकलेंगी। क्योंकि आज आपके सामने चंदू फुटपाथिया नहीं, चंदू बिजनेस टाइसून हूँ। बिजनेस टाइसून नहीं, बिजनेस टाइकून होता है। अच्छा, खाली स्टेज में देखकर आया था कि दो बातें कर लूंगा, लेकिन आपने वो भी नहीं करने दी। सॉरी सॉरी। चल टाइसून, चल तू बिजनेस टाइसून। चलो कोई बात नहीं। खैर अर्चना जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बोल बोल। मैंने अपनी मम्मी श्रीमती चांदनी देवी जी के आशीर्वाद से ढाबा खोल लिया है। बहुत अच्छे। और उसका उद्घाटन करने भी वो खुद आ रही हैं। तो आप भी आइएगा प्लीज। मैं भी आऊं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन पैसे लेकर आना है। गुड। ऐसे नहीं आना। दान पुण्य का काम मैंने खत्म कर दिया है, क्योंकि जब मुझे कोई नहीं देता मैं क्यों करूं। So, आज यहाँ पर चंदू खिलेगा और दुश्मन जलेंगे। ये क्या चल रहा है चंदू? नोट किया जाए, चंदू नहीं, चंदू ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक चंदू जकरबर्ग। जकरबर्ग? ओए लकड़बग, तूने ये ढाबा कैसे खोला बे? अर्चना जी, रात को मैंने सोचा मैं सरनेम मित्तल रख लेता हूँ, फिर सोचा मित्तल का ये पीतल कर देगा। मैंने अरोड़ा सोचा, फिर सोचा अरोड़ा का ये पकौड़ा कर देगा। मैंने फिर सोचा चलो इंटरनेशनल सरनेम रख लेते हैं। हाँ। मैंने जकरबर्ग रखा, उसका इसने लकड़बर्ग कर दिया। यार तुम किस वर्ग के प्राणी हो? ऐसी बातें करते ना तू, तभी तेरी ऐसी खबरें आती हैं। तू ये बता, तूने ढाबा कैसे खोल लिया? वो मेरा बजट थोड़ा कम था इसलिए ढाबा खोले, नहीं तो खोलना तो मैंने गाड़ियों का शोरूम था। गाड़ियों का शोरूम? उस दिन पड़ोसियों कह रहा था आपने कुत्ता क्यों रखा हुआ, मुझे रख लो, मैं आपकी रखवाली कर दूंगा। कहते चार बिस्कुट मुझे कम दे दिया करना। मैंने ऐसे बोला था पहले, ये बताओ। नहीं, तूने ऐसे बोला था मेरे को रख लो। मेरी बात सुनो कपूर शर्मा, हर इंसान के अंदर एक जानवर छिपा होता है। छुपा होता है, ठीक है, तेरा दिखने लगा है। 10 रुपए से महंगी चीज देता है, इसकी जुबान बाहर आ जाती है। अरे पप्पू भैया, मैं क्या बोल रही अरे माय गॉड, कैसे? अरे वाह, चंदू का ढाबा, क्या बात है। टायर का नट खोलते खोलते अब तूने ढाबा भी खोल लिया। मेरे बड़े आदमी बनने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हड़प्पा की खुदाई से मिली हुई मुगलों की उमराऊ जान। ए, ये सड़क पे सोते सोते ना अब इसके मुहावरे भी ट्रकों वाले निकलने लगे। अभी बकवास कर रहे ले। मेरी बात सुनो, फुटपाथ पे तो मैं इसलिए सोता हूँ ताकि बैक प्रॉब्लम ना हो। अच्छा। अरे सब बकवास की बात छोड़, तू ये नया पैकेज ले, DNL के पैकेज। ये DNL के क्या होता है? डुक्कर नाइट लाइफ इन कीचड़। कैसी बातें करती, वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ढाबे में बहुत ज्यादा बिजी हूँ। एक बात बता, तेरे पास आइडिया आया कहाँ से? तेरे तो आ नहीं सकता, तेरा दिमाग तो है नहीं। Well, it's a long story. यार शॉर्टकट में सुना दो, हिंसक तो तुम एक मिनट में हो जाते हो। वो मुझे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है। अच्छा, वो मिली थी। अच्छा। चंदू तुम्हें हमारे देश की इकोनॉमी को ऊपर उठाना पड़ेगा। अच्छा, तो तू सिग्नल पे खड़ा रह के इकोनॉमी ऐसे ऊपर नीचे करता रहता है, तो तेरे को तो बोलेंगी। तेरे को कहाँ मिली थी भाई अपनी फाइनेंस मिनिस्टर? वो अपना शपथ ग्रहण समारोह नहीं था, तू गया था उधर? आई वॉज देयर। मैं तो पूरी तैयारी के साथ गया था वहां पे विद टेलीस्कोप। कोई ग्रहण नहीं लगा उधर। ए मलाड के गैलीलियो, तेरे को मालूम है शपथ ग्रहण में मंत्री शपथ लेता है? लेकिन उधर तो लोग चाय के साथ समोसे ले रहे थे। 3-4 तो मैंने भी उठाए हैं। तो फिर जो उन्होंने तेरी शपथ के ऊपर ग्रहण लगाया 3 घंटे, वो भी तो बता उनको। चलो कुछ ना कुछ तो हम लेकर ही आए हैं, नहीं तो कुछ लोग तो वहां कुर्सी पर बैठकर वापस आ गए थे।
ऐसे लोगों से भागिए मत, ये भी हमारे अपने हैं। सही बात। इन्हें थोड़ा वक्त दीजिए, ये आज नहीं तो कल ठीक हो जाएंगे, ये हमारे अपने हैं। कपूर शर्मा, मुझे तुम्हारे यही हास्य विनोद की बातें यहाँ से जाने देती है। अब देखना, मैं और मेरी भूरी मिलकर ये ढाबा चलाएंगे। भूरी आ भूरी। देख तेरे को बदतमीज बोली। वो तो अपने आप को टैलेंटेड भी बोलती, मैंने कभी माना है? चप्पल का साइज देखा है? यस बेबी, 3 नंबर है। ए, ये कोई मेमने की बिटिया है क्या जो 3 नंबर बता रहे ले? पागल है, मेमने को 4 नंबर आता है, ये मेंढकी है, इसको 3 आता है। बुरी, इनकी बातें ना सुना करो। तुम्हें पता मेंढकी कितनी क्यूट होती है? और टटर करके बताना। क्या करके बताओ? टटर करके बताओ। तुम पहले भू भू करके दिखाओ। मेरा प्यार में ना तुम पागल ही हो जाती हो। नॉटी। खैर पूरी, तुम्हें बता, वो देखो मेरा दावा बोल गया है, तुम मुझे अभी के अभी हाँ कर दो, रातों रात तुम मेरी नीता अंबानी और मैं तुम्हारा मुकेश अंबानी। पूरी, अरे पूरी, तुम यहाँ पर कर क्या रही हो यार? भाई से अंदर इंतजार कर रही है तुम्हारा, जाओ नहलाओ। फालतू में यहाँ पे क्या? एक मिनट, चंदूदा ढाबा, ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे चंदूदा कटोरा होना चाहिए? लगने की बात है तो ऐसे तो तुम्हें भी चिंपैंजी होना चाहिए। चंपैंजी वाली बात है ना, थोड़ा धीरे बोला करो। अगर जू वालों को पता चल गया और इनको उठा के ले गए तो फिर मेरे बच्चों को बाप का प्यार कौन देगा? देखो मेरी बात सुनो, बाप का प्यार मिले न मिले, लेकिन 3 वक्त की रोटी जरूर मिलेगी चंदू के ढाबे से। हाय मैं मर जा। चंदू, तुमने ढाबा खोला? अरे यार, इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हारा बिजनेस तो अच्छा खासा चल रहा था ना, मांग के खाने वाला। वो तो मुझे नेपोटिज्म में मिला है, ये तो मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। मेरी बात सुनो भाभी, तुम्हें पता है मेरे ढाबे पे जो भी दूध पनीर मक्खन दही लगेगा वो तुम्हारे तबेले से सप्लाई होगी। अरे ऐसा क्यों भाई? अरे जीजू, इसे कुछ नहीं होने वाला, रहने तो इसका, आप ढाबा बंद करवाओ जीजू, मैं बोल रही हूँ। उसको जीजू जीजू कहती रहती हो, इतना कहीं मेरे को हिलू हिलू बोला था, आज हमारे नीलू बिलू घूम रहे होते। एक उल्टे हाथ का पड़ेगा ना, कहीं गीलू गीलू ना हो जाओ। यार चलो भाई साहब, तुम यहाँ से निकल लो। हाँ, निकलो, हाँ, निकल से लो। निकल लो, निकल लो। मेरी बात सुन, चल निकल। नहीं, निकलो निकलो, चलो निकलो, बाहर निकल, चले जाओ ना, बेइज्जती करवाई जा रहे हो। इतिहास गवाह है कि शूरवीरों पर ऐसे हमले होते हैं। तू शूरवीर नहीं है, तू सुअरवीर है, समझा? बात कर ले, अपना ये टेपला उठा और निकल इधर से। कोई बात नहीं, मेरी इस बेइज्जती का बदला मेरी माँ लेगी। मम्मी, दूध का कर्ज चुकाने का टाइम आ गया है। ए, औलादें दूध का कर्ज चुकाती हैं। वो सब आगे मैंने अपनी मम्मी को दे दिया है। मम्मी, मम्मी, मम्मी। ये कमाल है यार, जिस आदमी ने अपने जीवन में माँ की दाल नहीं देखी वो माँ की धमकी देकर गया हमें। सुनो जी, आप टेंशन मत लो, आना तो इसकी माँ को देख लूंगी। इसकी माँ और इसके बाप को कड़ी ना बनाया ना तो मैं भी 11 बच्चों की माँ नहीं। कप्पू, चंदू की माँ ने मुझे कुछ बोल दिया तो तुम संभालोगे ना? इतने सालों से संभाल ही रहे, तुम क्या अपनी एक्टिंग पे टिकी हुई इधर? कप्पू शर्मा, आज खुश तो बहुत हो गए तुम। जो औरत अपने बच्चे को मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़कर आ गई थी, आज वही औरत अपने बच्चे के ढाबे के लिए तुम्हारे शो की सीढ़ियां चढ़कर आ गई है। खुश तो बहुत हो गए तुम कपूर शर्मा। ए,
घोड़े के नाल जैसी औरत। कौन है रे तू? ओ तीन बार शेह की औरत है। ज्यादा बकवास नहीं करनी। चंदू की माँ हूँ मैं, श्रीमती चांदनी। क्या बात कर रहे, आप चंदू की माँ है? हाँ। अरे आंटी पाए लागू, पाए लागू। हाँ जी एक मिनट। अरे 10 रुपया जीती रहा। खुश रहा। जुग जुग दिया। एक मिनट माँ जी एक मिनट, हुआ क्या है? मैंने तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना कपूर शर्मा। मैंने क्या किया है? सारा तो तुम करते हो, मेरे बेटे को तो तुमने ओया करने के लिए रखा हुआ है। आज मेरा बेटा इधर ढाबा का खोलने लगा, तुम लोगों ने उसको भगा दिया। नहीं 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 आंटी जी, वो चंदू ढाबा चला नहीं पाएगा, उसके बस का नहीं है। ओए तंदूर के हम शक्ल। मुझे एक बात बताओ, क्या उसके बस का नहीं है? नहीं, नहीं। है? ये सिर्फ उसके 11 बच्चे ही नहीं है, नहीं तो टैलेंट तुम्हारे जितना ही उसके अंदर। मोहल्ले की कमेटियां लेके भागने वाली औरत, खबरदार मेरे बच्चों को बीच में लाया तो। ओए होए पंडुप की छोटी बहन। पंडुपी कह रही है। तुम लगती हो। इधर आ मेरी बात सुन पहले। आज तेरे बच्चों के बारे में ऐसे बोला मैंने तो बड़ा ऐसे ऐसे कर रही है। जब मेरे चंदू के बारे में बोलते तो मेरे को दुख नहीं लगता। आंटी जी आपके बेटे के साथ तो होगा ही ना, आपके बेटे का नाम भी तो चंदू है। हा? कितना गंदा बच्चा पैदा किया आंटी आपने। अच्छा आपको पता है चंदू पैदा हुआ ना अर्चना जी, बधाई मांगने वाले आए, 10 घरों से बधाई इकट्ठा करके इनके घर में एज ए रिलीफ फंड दिया उन्होंने। बचपन से कितना कमाऊ था मेरा चंदू। कमाऊ नहीं, मंगाऊ है, मंगाऊ मंगोड़ी भिखारी। तू चुप कर, जरा बकवास नहीं करनी, जानती मैं तेरी मसाजों को। मैं करना क्या होता है, थोड़ा सा तेल लिया ऐसे 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 घिसा अपने हाथ को, आधा हाथ ए साइड में आधा हाथ बी साइड में। तो बस हो गई मसाज। अपनी मसाज करने से कुछ नहीं होगा, दूसरे की मसाज करके देखो। दूसरे की तू करे, तेरे घर वाले करे, तेरा बाप करे, हाँ मसाज भी करे। मसाजू बैठिए। हाँ तो करेंगे, हमारा धंधा है, चलता है वो। आंटी आंटी मेरी बात सुनिए। आंटी आंटी क्या होता है, आंटी क्या होता है? वो तो चंदू तुम्हें लाइक करता है, नहीं तो तुम्हारी जैसी लड़की की तो मैंने मोहल्ले में गलत गलत अफवाहें फैलाई हुई हैं। आंटी आप यहाँ इतनी बातें कर रही है, जाके अपने बेटे चंदू को समझाइए कि मेरा पीछा छोड़ दे। एक मिनट मेरी बात सुनिए जरा, इधर 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 आ। तेरे दूध वाले दांत तो टूट गए होंगे ना, तो ये भी दांत तुमने क्यों तोड़वाने, ये तो दोबारा आते भी नहीं है। मेरे बारे में बोलने से पहले आपने मेरा बायोडाटा चेक नहीं किया था? इधर आ, जानती हूँ मैं तेरी जैसे लड़कियों का। इधर इधर क्या आपको पता क्या करती है? गर्मियों में कुल्फी वाले को बॉयफ्रेंड बना लेती है, सर्दियों में गजरेले वाले को। और आंटी बरसात में? बरसात में लोनावला और शगन लाल की चिक्की के साथ डिंक चिक्की डिंक चिक्की डिंक चिक्की डिंक चिक्की। इसने तो बिरयानी खानी हो, वो MBH वाला नहीं, उसके साथ चल पड़ती। चलो 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 जीजू आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे हम क्या बोले, हमें जितनी गालियां आती है उतनी औरत एक दिन में सुन लेती होगी। ऐसी औरतों के मुंह नहीं लगते हम। लग मुंह मेरे, बताऊं तुझे मैं, मुंह नहीं लगते मर्दाना औरत। अपनी 11 भैंसों का अभी ना दही खाकर ऐसा रायता फैलाएंगे यहाँ पे, पूरा खानदान मिलके समेट नहीं पाएगा, समझ गई? इच्छाधारी मकड़ी। वाह जीजू वाह, छा गए आप। जीजा ही छाता रहता, कभी साली भी छा जाया करे। शेर एक बार दहाड़ता है, कुत्तों की तरह सारा दिन नहीं भौंकता। शेर देख लो भी हमारा, मेंढक थप्पड़ मार के चले जाते हैं। तेरा जैसा को तो मैं नींबू की तरह गिलास में निचोड़ कर पी जाऊं, डकार भी ना लूं। अर्चना जी मैं तो किसी को मानती नहीं हूँ, हस्बैंड को भी नहीं मानती मैं। शादी वाले दिन मेरा घूंघट उठाने लगा, मैंने थप्पड़ मारा छाती पे बैठ गई मैं। 88 मुक्के मारे मैंने उसकी छाती पे। ए धमोरियों की मालकिन, कब से मैं तेरी इधर मच मच सुन रही है। तू चुप कर, तेरे जैसी औरतें होती है एक हाथ से ट्रक उठाती दूसरे हाथ से उसका टायर बदल लेती हैं। और तुम्हारी जैसी कर, तेरे जैसी औरतें होती हैं
जो अपने डैडी का कुर्ता पजामा पहन के अपने पुराने फ्रेंड से साथ मिलने के लिए चली जाती है। जा! मैं हार गई। इतनी बेस्ती कप्पू मेरी नाला सपारा में भी नहीं हुई है। तू इसको समझा? आप बताओ। नहीं नहीं, कौन रोकेगा मेरे बेटे का इधर डब। अरे कोई आगे आओ यार, मैं घर जा रही हूँ खाना बनाने। जाना नहीं है, इधर से दौड़ो। तुम्हारे जैसी औरतें गांव में मैंने ना बच्चों के लंगोट बदलने के लिए रखी हुई है। अच्छा, और तेरे जैसी औरतें ना मैं अपने घर में झाड़ू लगवाती हूँ। तेरे जैसी औरतों पर मैं कूड़ा फेंकती हूँ। तेरे जैसी औरतों पे भी मैं कूड़ा फेंकती हूँ। ये बात तो मैंने पहले बोली थी। हाँ तो क्या हुआ, कूड़ा मेरे पास भी है, अगर और कूड़ा चाहिए ना तो ट्रक का ट्रक मंगवा सकती हूँ। मुझे कोई रोक ले, मैं हाथापाई करने लगी हूँ। मेरे बच्चे का तो डाबा इधर ही खुलेगा, इधर ही खुलेगा मेरे बेटे का डाबा। आप अपना सर ना खुलवा लेना, मेरे बच्चे का डाबा यहीं पे खुलेगा। आई बड़ी, जब से आई दिमाग खाई जा रही हो। जा जा के अपनी आवाज देख, ट्रक वाली बॉडी में तुमने मोपड़ की आवाज डलवाई हुई है। आपने अपनी आवाज देखी है? ऐसा लग रहा बंदरी के मुंह से चमगादड़ की आवाज निकल रही है। एक मिनट। अरे 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 अरे, मेरे बच्चे का तो डब्बा इधर ही खुलेगा, खुल गया मेरे बेटे का डब्बा। ओ आंटी, इधर कोई ढाबा नहीं खुलेगा, उठाओ अपना पतीला यहाँ से। कोई ढाबा नहीं खुलेगा? नहीं नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। मैंने इधर राजमा बनवाए हैं गरम गरम। हमको खाना ही नहीं है राजमा। नहीं तुमको खिलाने नहीं है गरम गरम, तुम्हारी धोती में डालने। क्या बोल रही है तू? सच में जा रही है? अरे नहीं, अरे यार ये तो पागल हो गई है। अरे भागो, अरे नहीं, अरे ये तो सच में डाल देगी। आते एक बात बताइए, बता। खाने और इस कुर्सी को छोड़ के और किस चीज के पीछे आप पागल हुई हैं, दीवानी हुई हैं? ओह थैंक्स बेब। अच्छा, लोग अलग अलग चीजों के लिए पागल हो रहे हैं, पता? आजकल के बच्चों को देख लो आप, मोबाइल के पीछे पागल हैं। सारा दिन पबजी खेलते खेलते ना पेट में कब्जी हो जाती, लेकिन मानते नहीं। पहले बोलते थे ना शराबी की शराब छुड़ाए केवल 7 दिनों में, आजकल नया ट्रेंड आने वाला है बच्चों का मोबाइल छुड़ाए केवल 1 साल में, क्योंकि इतनी गंदी आदत हो गई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लेडीज मेकअप को लेके इतना पागल हो जाती ना, कसम से। मैं उन लेडीज की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर नहीं है, जहाँ कांच देखा वही शुरू हो जाती है। कहीं गाड़ी लेके जा रही है ना, सिग्नल पर रेड लाइट हुई, वहीं पे शीशा घुमा के शुरू हो जाती है। आदमी पीछे गुस्से में हॉर्न मारता है कि होठ तेरे सिग्नल से ज्यादा लाल हो गए, अब तो चल। कुछ लोगों में ना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की लत लगी हुई है। एक आदमी मैंने देखा दुनिया में, पता नहीं कौन सी कंट्री में है, वो ट्यूबलाइट और बल्ब खाता रहता है। मैं सोचता हूँ कि जब इसका आदमी का पेट खराब होता होगा। मैं तो खैर सोचता रहता हूँ। खैर, दीवानगी पागलपन अलग अलग चीजों में होता है, लेकिन सबसे खतरनाक जो दीवानगी होती है वो होती है प्यार में, और इसी पर एक फिल्म आ रही है कबीर सिंह। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा इस फिल्म के लीड एक्टर को, वेरी चार्मिंग, वेरी हैंडसम, वेरी टैलेंटेड, प्लीज वेलकम मिस्टर शाहिद कपूर। शाहिद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। हालांकि हम थोड़े दिन पहले मिले थे। अच्छा? राष्ट्रपति भवन में। जी अच्छा। मोदी जी की स्वीयरिंग सेरेमनी में। मानना पड़ेगा शाहिद भाई, दिन तो आपके चल रहे हैं। थोड़े दिन पहले राष्ट्रपति भवन में, आज कपिल शर्मा शो। खैर भाई, सबसे पहले तो आपको कबीर सिंह के लिए ढेर सारी मुबारकबाद। थैंक यू। ट्रेलर बड़ा जबरदस्त लग रहा है। थैंक यू सो मच भाई। ये आपको ऐसे करेक्टर करने मजा आता है कि फिल्म के बहाने नशा करने का शौक है? है? शायद ये मेरा ऑल्टर ईगो है, क्योंकि मैं आम जीवन में जो नहीं करता हूँ लोग मुझे उसी तरह के रोल में देखना पसंद करते हैं, तो इट्स क्वाइट अ वियर्ड थिंग।
अरे शाहिद भाई जो भी किरदार करते उसमें ऐसा डूबते हैं पता नहीं चलता कि एक्टिंग कर रहे हैं कि रियल में यही है। तो शाहिद भाई जब ये अपना आत्म मनोरंजन जो किसिंग वाला सीन जो करते हो आप उसमें जब आप डूब जाते हो तो आपको बाहर कौन निकालता है फिर कोई? सर एक आवाज आती है कट उतने में हो जाता है। वेरी गुड आई एम प्राउड ऑफ यू। शायद भाई आपने बहुत सारी फिल्मों में अपने किरदार के लिए लंबी दाढ़ी बढ़ाई है जी। तो जब आप इतनी देर बाद शेव करते हैं तो आपके बेबीज हैरान नहीं होते चिकना कौन है? सर एक तो पहली बात यह है कि ये दाढ़ी उगाने के पीछे एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। अच्छा यू नो क्योंकि मेरे डैड 30-32 साल की उम्र में उनके बाल आधे से ज्यादा चले गए थे। अच्छा। तो जब मैं 24-25 का था वो मुझे कहा करते थे बेटा अच्छा हुआ तुम्हारा डेब्यू जल्दी हो गया क्योंकि ज्यादा टाइम तो रहने नहीं वाले हैं ये बाल तुम्हारे। तो मुझे जब भी मौका मिलता है जितने बाल जहां जहां से उगा सकता हूं मैं उगा लेता हूं क्योंकि पता नहीं कब तक रहेगा। घर की खेती है जी। शायद भाई आइए आपके साथ ढेर सारी बातें करेंगे। आइए विराजमान होइए। शायद भाई आपने इस फिल्म में एंग्री यंग मैन का रोल किया है जी। रियल लाइफ में आपको किसी चीज पे गुस्सा आता है? सर मैं ऐसा गुस्सेल टाइप बंदा नहीं हूँ। अच्छा। मैं थोड़ा शांत टाइप हूँ और मेरा गुस्सा थोड़ा ऐसा होता है कि मैं चुप हो जाता हूँ। मैं कुछ अच्छा। कहता नहीं हूँ। मुझे पता होता है एक ना एक दिन ऐसी कोई फिल्म मिल जाएगी जिसमें जो भी अंदर बैठा हुआ है वो निकाल देंगे। फड़ा करके बाहर निकालने का मौका मिलेगा तो मैं उसके लिए बचा के रखता हूँ। तो ये बड़ा काम आता है सर कंजर्विंग एनर्जी। वेरी गुड। अच्छा आपको तो फिल्में मिल जाती हैं आप उसमें निकाल लेते हो। मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ आपको जब गुस्सा आता है बड़ी खतरनाक चीज होती है। आप गुस्से में हो ऊपर से ट्विटर पे चले जाओ बड़ी परेशानियां होती हैं। कंट्रोल करना चाहिए। आप में से कोई है जिन्होंने गुस्से में अपना काम खराब किया हो या बहुत गुस्सा आया हो जाहिर ना कर पाए हो? ऐसे कोई हमारे दोस्त है जो अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं? जी मैडम लेडीज के हाथ ही खड़े हो रहे हैं धीरे धीरे जी। हेलो सर। हेलो सर। हेलो अर्चना मैम। हाय। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा अपनी ननंद पे आता है। सबको आता है। और सबके सामने बोल भी रही हैं आप ये? इनका भी वैसे ही आई थिंक ये घर पे नहीं बोल पा रही तो यहाँ बोल रही हैं। अर्चना मैम मैं एक और बात बोलना चाहूंगी। जी ननंद मेरे साथ बैठी है अभी। अच्छा नमस्ते जी कैसे हैं आप? किन बातों पे गुस्सा आता है आपको इनकी? मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि मैं अगर उत्तर बोलूंगी ना तो ये 100% दक्षिण बोलेंगे उसके पास। अच्छा जी। मेरी सासू जी बहुत भोले भाले हैं। अच्छा जी। उन्होंने सपोज पूछा आज मैं किसी पार्टी में जा रही हूँ मैं कौन सी साड़ी पहनूं? मैंने बोला रेड वाली साड़ी पहन लो तो ये 100% बोलेंगे मैं पिंक वाली साड़ी पहनी आज तो मम्मी को। अच्छा जी। और फिर मम्मी फंस जाते हैं ऑब्वियसली कि बहू की सुने की बेटी की सुने। तो फिर वो क्या पहन के जाते हैं आधी रेड आधी येलो? फिर मेरे ससुर जी का रोल आता है। अच्छा जी। फिर वो उनकी सुनती है। अच्छी बात है जिनकी सुननी चाहिए उनकी सुन रही है। चलिए अच्छी बात है। आपको इनकी कौन सी बातों में गुस्सा आता है? मैं बोलूंगी कुछ भी तो ये तो मानना इनको भी नहीं है। अच्छा जी। मैंने बोला आज ये बनाना है तो ये बनाने नहीं है उनको। अच्छा जी। कुछ और ही बनाएंगे अपने मर्जी का तो नेचुरल है गुस्सा आना ही है। तो शादी आपके भाई की अरेंज मैरिज हुई थी कि लव मैरिज हुई थी? नहीं अरेंज हुई थी। आप गई थी देखने? बिल्कुल। तब मैं आपको पसंद करके आई हूँ। पसंद भी आप ही करके आई हैं। ऐसा है ना कि मम्मी सीधे हैं भाई बेचारा तो ऐसे ही नहीं बोलता कुछ। तो आप किस पे गई हैं? मैं तो इनके लाइफ में ट्विस्ट डालने के लिए हूँ ना। बहुत अच्छी बात है। क्या बात है ना स्वीट 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 थोड़ा सा तो तड़का चाहिए ना इसलिए तड़के के लिए हूँ मैं। लेडीज की करण जौहर है ये ट्विस्ट डालती है स्टोरी में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो एवरीवन माय नेम इज अंकुर अरोरा। सो जनरली मेरे को गुस्सा कम आता है मेरी वाइफ को गुस्सा ज्यादा आता है। हाँ जी पता है। जब भी कहीं बाहर जाना हो कहीं पे भी लेट हो रहे हो तो मेरे को गुस्सा ज्यादा आ जाता है। तो आज भी ऐसे ही हुआ आज शो के लिए लेट हो रहे थे तो मैंने टाइम से बोला था जल्दी तैयार हो जाना बट एज यूजुअल टाइम लगाते गए फिर तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया तो गुस्से में मैं गाड़ी में जाके बैठ गया। तो वो भी गाड़ी में आए तो गाड़ी में भी गुस्सा रैश ड्राइविंग कर रहा हूँ। देन सडनली आई लुक्ड एट हर शी लुक्ड एट मी शी गेव अ वेरी क्यूट स्माइल और फिर सारा गुस्सा मेल्ट हो गया और बहुत आराम से हम लोग यहाँ पर आए। सो स्वीट यार अंकुर कितनी प्यारी बातें की आपने। आपकी वाइफ भी आई साथ में? कहाँ है कैसी हैं आप आज? तो चलो गाड़ी में आना था वैसे गुस्सा आता तो ज्यादातर कहाँ बैठते हैं जाके? घर पे रूम में जाके बैठ जाओ। रूम में जाके बैठ जाते हैं बस जी। तो आपको गुस्सा आता है आप क्या करती हैं? गुस्सा आता तो गुस्सा इन्हीं पीनी पे निकलता है हस्बैंड पे। शायद भाई आपको कभी गुस्सा आ जाए किसी बात पे तो आप क्या करते हैं? सर जब मुझे गुस्सा है तो भी मैं माफी मांगता हूँ जब उन्हें गुस्सा है तो भी मैं माफी मांगता हूँ। शाबाश वेरी गुड।
लंबा चलोगे। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। मैं शाहिद जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, जो मैं मानती हूँ। जी। पंजाब के पास पटियाला में इनकी मौसम मूवी की शूटिंग थी और मुझे पता चला तो। पटियाला से आप? मैं अमृतसर तो हूँ जी। अच्छा जी। तो मुझे जैसा ही पता चला कि इनकी शूट चल रही है और आज लास्ट डे है, पर शाहिद तो शाहिद है और मुझे मिलना था, पर प्रॉब्लम थी कि उसी दिन मेरे देवर की शादी थी रात की। अच्छा जी। मैंने क्या किया, सुबह सुबह की ट्रेन ली, मैंने कहा शादी तक पहुंच जाएंगे वापस। मैं गई फटाफट और गई, पहुंचे पटियाला में, शूट चल रहा था, सर का सॉन्ग चल रहा था, सज धज के टशन में रहना। तो मैं देखती रही, फिर मैंने इनको मिलने की कोशिश की तो बाउंसर्स थे वो मिलने नहीं दे रहे थे। 3-4 बार बोला मैंने, रिक्वेस्ट की, वो बोल मिलवाते हैं अभी शॉर्ट चल। तो चौथी बार मैंने चिल्ला दिया, भाई घर पे मेरे शादी चल रही है, वो मिलवा नहीं रहे हो मुझे, इधर सज धज के वो बैठे हैं, घर पे मेरे सज धज के वो बैठे हैं, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे भेजो मिलवाओ। फिर तो इतना बोला तो उन्होंने, मैं कहा कि उधर ही जाओ, फिर आप घर ही जाओ, निकाल दिया। अच्छा, तब भी नहीं मिली आप? नहीं मिली। ओ, तो आज मिलने आई हैं? कैसा लग रहा है आपको मिलके उनको? मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या आज कुछ ऐसा हो सकता है कि यकीन हो जाए कुछ? क्या करें वो जो आपको यकीन हो जाए? एक जप्पी तो बनती है पंजाबी है भाई। और जप्पी में की फर्क है? थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने नाम ही नहीं बताया अपना। मेरा नाम अमन। अमन? हाँ। अमन आप अकेले हैं मेरे सर से? मेरे साथ मेरा बेटा है। हेलो। हेलो। ये बुलाता किसी के साथ भी नहीं है? बुलाता नहीं, वो सब नोट कर रहा है, डैडी को बताएगा जाके। आपको एक चीज बताऊं? हाँ जी। मैं इनके पीछे इतनी दीवानी हूँ कि मैंने अमृतसर में लड़के ढूंढे जिसकी शक्ल शायद से मिलती होगी, उसके साथ शादी करूंगी। वाह। अच्छा, वाह। और जब इसने पहली बार बड़ा होके होश संभाला और शायद को टीवी में देखा, कहते पापा टीवी पे कैसे आ रहे हैं? चलिए, बहुत अच्छा लगा जी, अमन जी आपसे मिलकर, धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया। अब वक्त है फिल्म कबीर सिंह में अहम भूमिका निभाने वाली खूबसूरत एक्ट्रेस को यहाँ पे इनवाइट करने का। प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल वेरी टैलेंटेड कियारा आडवाणी। कियारा आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं। उनको देख के आपको अपना बचपन याद आया, हमें अपनी जवानी याद आ रही है। कपिल अपसेट हो गया थोड़ा। क्यों? उससे लगा आप उसके लिए सच सच क्या है उसके शो पे। अब उनकी तो शादी हो गई तो आई थिंक अब उससे क्या होता है। आपका नाम बड़ा ही प्यारा है, कियारा जी। वाओ, इसका क्या मतलब होता है कियारा? इसका मतलब है गॉड्स प्रेशियस चाइल्ड। ये तो है का सबसे प्रेशियस। पर हमने सुना पहले आपका नाम कियारा नहीं था, आलिया था जी, फिर चेंज कर लिया। महेश भट्ट साहब रॉयल्टी मांगते थे। चेंज क्यों किया आपने? क्योंकि ऑलरेडी आलिया भट्ट जी एक बहुत ही बड़ी स्टार थी, तो कंफ्यूजन नहीं चाहिए था उस वक्त, तो इसलिए कियारा बहुत ही खूबसूरत नाम है। थैंक यू। कियारा आप बहुत प्यारी लग रही हैं ट्रेलर में, हमने देखा है। और आपके आपने मुझे बिल्कुल नहीं बोला जब से मैं आया हूँ। अरे आपने एक बार प्यारा अच्छा ऐसा कुछ मुझे नहीं मैंने बोला, बोला मैंने बहुत ही यू नो एक्टर है अपने रोल में घुस जाते, लेकिन ऐसा कुछ लविंग बात आपने मुझसे बिल्कुल भी नहीं की। भाई अब अभी आप खुद समझदार हो, आपको पता ही है। एक वक्त था जब मेरी और कपिल की शादी नहीं हुई थी। तब क्या दिन थे यार। और आज क्या दिन है? गिनी और मीरा को नहीं पसंद आया। दे नो कि वो वक्त शादी के बाद मर्द ऐसे हो जाते हैं। मुझे तो लगता है पहले बता देना चाहिए कि हम ऐसे हैं, क्योंकि कल को रंगे हाथ पकड़े जाओ ना, तो मैंने तो बोला था। तो और फिर क्या रहा इस फिल्म में किरदार कैसा है आपका? बेसिकली कबीर के एकदम ऑपोजिट प्रीति है। जितना एंगर उसमें है उतनी ही शांत, सीधी सादी है, सीधी सादी है। तो कह रहा रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कोई आपके पीछे ऐसा पागल हुआ हो और आपको पता भी हो कि ये लड़कियों को सबसे पहले पता चलता है अगर कोई उन पे लाइन मारता है? वुमन्स इंस्टिंक्ट। यूजुअली लाइन मारने से पहले भी उनको पता चल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि उनको दूर से देख के ये कुछ गड़बड़ करने वाला है। दे हैव दैट सिक्स सेंस एक्चुअली। इंस्टिंक्ट इट इज। बट नहीं, किसी ने लाइन ही नहीं मारी आज तक। नहीं एक्चुअली नहीं मारी ऐसा आज तो नहीं सकता। नहीं सच में नहीं मारी आज। जिनकी शादी हो सकती वो मार सकते लाइन? बिल्कुल नहीं, बात बहुत गलत हो। लेकिन अक्सर लाइन वही मारते हैं जिनकी शादी हो चुकी होती है। हाँ।
अर्चना ने ये बात इतने एक्सपीरियंस से कही है कि मुझे परमीत को कॉल करना ही पड़ेगा इस शो के बाद। अरे ये तो खुद लड़कियों में लाइन मारती है। अच्छा रंगून में शाहिद कीचड़ में गिरे हुए थे और किस कर रहे थे, इस फिल्म में ये किस कर रहे हैं और किस करते करते रंगून की कीचड़ की किस, देखिए पूरा रिसर्च देखिए हमारी, मानना पड़ेगा। और इस फिल्म में किस करते करते गिर जाते हैं, तो कुछ जवान लौंडों का सवाल था भाई, बोलते कि गिरते हुए किस करने मजा आता है या किस करते करते गिर जाओ तो फिर मजा आता है, और व्हाट इज द फन आई मीन। शाहिद हमें कोई बता रहा था कि शूट के बाद जब शाहिद घर जाते हैं तो उसके पहले दो दो घंटे नहाते हैं, कौन से सबूत है जो आप मिटाना चाहते हैं? नहीं एक्चुअली इससे पहले मैंने एक और फिल्म की थी जहाँ पे थोड़ा सा कैरेक्टर ऐसा था, वो उड़ता पंजाब, मतलब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं सिंगल था जी, तो कोई परेशानी नहीं होती थी, बड़ा यू नो यू कैन स्टे इन द जोन ऑफ द कैरेक्टर। लेकिन ये फिल्म जब मैंने शुरू की तो यू नो मेरी शादी हो चुकी थी, मेरे दो बच्चे थे जी, एंड मैं नहीं चाहता था कि इस कैरेक्टर की कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी घर तक पहुंचे, बच्चों तक पहुंचे या उनको इफेक्ट करे। क्या बात है, हाउ स्वीट। क्यारा हमने सुना है मुकेश अंबानी जी की जो डॉटर है ईशा अंबानी, वो आपकी फ्रेंड है जी। वाओ आपसे क्या पूछना। हम लोग बचपन के दोस्त हैं, मैं बहुत छोटे थे जब व्हेन वी गॉट टू नो ईच अदर, तो आई थिंक वो फ्रेंडशिप्स अलग होती है। आपने तो उनका घर अंदर से भी देखा होगा, उधर मतलब वीजा लेना पड़ता है कि ऑन अराइवल मिलता है? ना कुछ अफवाहें थी क्यारा, अच्छी बात है आप आ जाइए तो क्लियर कर ही लेते हैं। मतलब अंबानी फैमिली को लेकर कुछ अफवाहें थी, तो आप तो उनकी दोस्त हैं तो आप क्लियर कर सकती हैं। नहीं नहीं कुछ ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कौन से चैनल पे आ रहा है ये प्रोग्राम? मैं ना एक चैनल पे शो करता था, मैंने कहा आप कभी हमारे शो पे आइए, कौन सा शो ऐसे से, बोलते हो चैनल हमारा ही है। मैं कहा अच्छा। ऐसे अफवाहें सुनी है, कहते हैं कि उधर कपड़े धो के झाड़ते नहीं क्योंकि पैसे गिर जाते हैं, सही है? वो जहां भी झाड़ते होंगे ऐसे लोग खड़े रहते होंगे ना नीचे, प्लीज आज झाड़ दो प्लीज। कहते हैं कि सुना है कि मतलब वो एक बार कपड़ा पहनने के बाद फेंक देते हैं, सो एनी आइडिया कहाँ फेंकते? कहाँ फेंकते हैं? नॉट आंसरिंग एनी क्वेश्चंस यार। अगर कोई आदमी चाहे कि वो मुझे गोद ले लें, उसके लिए क्या प्रोसीजर है? आपको मेरे को अर्चना जी को दोनों को ले क्या जरूरत है ना अर्चना जी, रोज शूटिंग पे आने की, बैठो आराम से खाओ पियो सो जाओ, फिर उठो फिर खाओ पियो फिर सो जाओ। लेकिन सबसे ज्यादा काम वो लोग करते हैं मालूम है? वो तो करते हैं, इसीलिए तो मैं कहता हूँ वो करें ना, हमें क्या जरूरत है। ओके तो दर्शकों कुछ अफवाहें थी, पर हाँ अमीर तो है बहुत ज्यादा। हाय कियारा, माइसेल्फ सपना फिल्म नाना सुपारा। लवली सपना, लवली टू मीट यू। वेरी थी इंग्लिश आता नहीं है, समझती थोड़ा अच्छा कुछ बोले। खैर आप लोग की पिक्चर का प्रोमो देखी मैं, बहुत मजा आया, जोरदार ताली हो जाए। उसमें आपको ऐसा सर्जन विर्जन रहते हैं ना, ऐसा दारू पी के ऑपरेशन करते, दारू तो बहुत अच्छा पिए लेकिन आपको पैक बनाना आता नहीं है। तुझे, तुझे कैसे पता? अरे बर्फ गलत जगह पर डाल रहे थे रे। सच्ची बोलती हमारे नाला सोपारा में बड़े बड़े बेवड़े देखी मैं, लेकिन विस्की ठंडा करने का ऐसा करता पहली बार देखी, बहुत मजे है। तुझे बड़ा पता है पैक के बारे में सपना? हाँ तो मेरे को मालूम है, मैं नाला सोपारा में दारू और चकना एसोसिएशन की हेड है, समझा? बड़े बड़े लोग आते हैं सर, अर्चना जी बहुत आती है उधर पीने के लिए, इतना पौवा मारती है लेकिन ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में कभी अंदर नहीं हुई। क्यों? अब बैलगाड़ी पे कौन चलाने लगा था? सर ऐसा दारू पी के सर्जरी में कितना मजा आते रहेंगे ना उधर, ऐसा पेशेंट को ग्लूकोज चढ़ रहा है, इधर डॉक्टर को दारू चढ़ रहा है। तब ना तुझे पता भी है डॉक्टर के बारे में कुछ? सब मालूम है मेरे को डॉक्टर के, मैं रोज पढ़ती है किताब में, डॉक्टर लोग का जोक भी आता है मेरे को बहुत। सुना एक बार पता क्या रहते हैं, एक डॉक्टर ऐसे दारू पी के ना पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा रहते हैं। कैसा लगा जोक? जोक तो बना नहीं कोई, यू आर नॉट गेटिंग इट। जोक तो बना नहीं। हाँ लेकिन इस पे पिक्चर तो बना ना, तो जोक का क्या करने का। सही बोला ना,
जोक कुछ नहीं रहते, पिक्चर बनाना कोई जोक नहीं, मेहनत से पिक्चर बनता है, और शायद से ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता। जोरदार ताली, मैं सच्ची बोलती, मैं इधर फालतू बात नहीं करती। शायद सबसे फोकस हीरो हैं। कैसे? मैं प्रोमो में देखी, अब देखो बाइक के ऊपर बैठ के सब पप्पी लेते जा रहे, बाइक का एक्सीडेंट हो गया। अगर कोई और रहता तो खड़ा होता ऐसा झाड़ता, पुलिस को फोन लगाता, हड्डी देखता, लेकिन नहीं, ये डायरेक्ट पप्पी ले रही। फोकस फोकस नहीं छोड़ते। खैर शायद मैं आपके बहुत फैन ही, तो पद्मावत पिक्चर देखी मैं बहुत। आपने वो कितना अच्छा डायलॉग बोले लता, कि क्या वो चिंता को जो तलवार की नोक पे रखता है वो राजपूत, अच्छा जो बाइक गिरा के फिर पप्पी लेता उसको क्या बोलते हैं? खैर जाने दो, कियारा के लिए जोरदार ताली, में बहुत अच्छी लगी मेरे को। लेकिन मैं एक चीज मेरे को अच्छा नहीं लगा इस पिक्चर में ना, आपने शाहिद को खराब कर दिया। क्या मतलब, क्या खराब कर दिया? देखो मैं विवाह पिक्चर देखी थी, उसमें शाहिद ऐसा एकदम शांति से बैठा था, एक दिन प्यास लगी थी तो अमृता राव ऐसा ना घूंघट तोड़ के ऐसा पानी लेकर आए। अगर मैं सच कहती, अमृता राव अगर ये प्रोमो देख लेना तो अमृता अपनी राव आई मीन राय बदल लेगी, मैं सच्ची बोलती। अच्छा खैर मेरे को पर्सनल बात थी आपसे। आप बोले ना, दिस इज ऑल वुमेन वुमेन टॉक रहता है। अच्छा लेडीज टॉक। मैं पेपर में पढ़ी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्या आप गुड न्यूज कब दे रहे हैं? अबे उनकी फिल्म का नाम है। फिल्म का नाम है? हाँ तो अच्छा तूने मेरे को बता दिया, मैं इधर नाच के भी बधाई मांगने वाली थी। ओह माय गॉड, चलो दूसरी पिक्चर का भी प्रमोशन की गुड न्यूज के लिए भी जोरदार ताली हो जाए, जल्दी आने वाली है। आपको पता है शायद मेरा छावा है मुकेश, उधर नाला सोपारा में हम लोग का काम है, उधर डुक्कर वॉशिंग सर्विस है। सुअर रहते ना, डुक्कर लोग को धोने का काम रहते हैं। वो काले काले डुक्कर रहते ना, उनको ऐसा घस के एकदम पिंक कलर का ऐसा करके हम लोग। तो मेरा जो मुकेश है ना, मेरा छावा, शाहिद का बहुत बड़ा फैन है। वो तो एक पिक्चर कौन सा है वो 200 बार देखे ला, उसको हम लोग सब नाला सोपारा में उसी पेट नेम से बुलाते हैं। कौन सा नाम? कमीने। खैर यू नो फॉर यू आई हैव दिस सपना ब्यूटी पार्लर। यस, मैं पार्लर चलाती है। तो हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है, एक तो कमीने मसाज है। ओके, इसमें क्या है? इसमें क्या रहता है, कस्टमर को हम लोग तेल विल नहीं लगाते ना कपड़ा उतारते, चार आदमी आते उसको ऐसा बाल वुल कूटते, फिर उसको डंडे से मारते, मसाज भी नहीं करते और पैसा लेके चले जाते। ऐसे कौन करता है? मैंने बोला ना वो चारों कमीने, कमीने मसाज है ना, ऐसे रहते। फिर हमारा वो आपका उड़ता पंजाब मसाज बहुत अच्छा है। इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग तेल से मसाज नहीं करते, गैस रहता है ना, वो गैस जो है ना कस्टमर के मुंह में डाल देते, फिर वो जैसे ही उड़ता है हम उसका पैसा लेके पंजाब भाग जाते। फिर आपके लिए तो बहुत स्पेशल मसाज है, कियारा मसाज। इसमें क्या है? ये सिर्फ पंजाबी लोग के लिए। मतलब कैसे? इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें सिद्धू जी आते हैं और वो आके चेयर पे बैठते हैं, फिर हम लोग टीवी ऑन कर देते हैं, तो वो बैठ के बोलते हैं टीवी पे की आ रहा है। ऐसा रहता है, फिर वो जैसे बोलते हैं हम उनका मसाज कर देते। अच्छा जी को मिलता है मसाज? हाँ। अच्छा, अच्छा मेरे को आप जरा दो दिन के लिए नाला सोपारा में लगेंगे। अच्छा ये क्यों लगेंगे? अरे इन्होंने उड़ता पंजाब की है ना, इनको उधर ले जाके मैं उड़ता नाला सोपारा करेगी। नहीं सच्ची में आप आइए, मस्त मस्त चुप चुप के भी किया ना आपने, उधर खुल के करो ना, आओ ना। बहुत मजा आता है। अच्छा मैं चलती है, बाय। शाहिद क्यारा, मैं आपसे ना कुछ सवाल पूछूंगा जी, हर सवाल के तीन तीन जवाब हैं जी, आपको 5 सेकंड्स में देने, बड़े इजी इजी हैं। ओके, आप दोनों में से कोई भी जवाब दे सकता है, पहले जिसने दे दिया उसका। 3 चीजें जो आप सीक्रेटली पब्लिक प्लेस में करते हो। सीक्रेटली? हाँ, कि कोई देख ना ले। पैंट एडजस्ट करना, वो तो मैं पब्लिकली कर लेता। और ओके फाइन, पैंट एडजस्ट करना। तो हंसी रही है बस, सोच के हंस रहे कि हम क्या क्या करते कैसे बोलू। अच्छा जी, आप चाहे तो आप भी जवाब दे सकती हैं। पैसे गिनना? नहीं। पैसों से ध्यान नहीं हटता आपका यार। आप बोलो ना क्या करते हो आप।
कुछ तो आ रहा है इसके मन में जो ये खुल के बोल नहीं रही है। हाँ अच्छा, आपको याद है मैंने एक और चीज कही थी, 5 सेकंड में बोलना है। हो गया 5 सेकंड, तो गाइस इसको जाने देते हैं। चलो, लोग पढ़ने के अलावा न्यूज़पेपर के जो हैं 3 कौन से इस्तेमाल करते हैं? चीजें रैप करने के लिए और कुछ गिर जाए तो उसको साफ करने के लिए, और जब नेल्स काटते हैं तो उसको फोल्ड करके फेंकने के लिए। वेरी नाइस, यस नाइस, दैट्स अ वेरी गुड वन। अच्छा, ऐसे कौन से 3 काम हैं जो सिग्नल पे वेट करते हुए आप करते हो? म्यूजिक चैनल चेंज करना, हाँ, बाजू वाली गाड़ी में कौन है उसको देखना, और अपना फोन, नहीं जो भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, और अपना फोन चेक करना। वेरी गुड, नाइस। क्यारा, मैं नेक्स्ट तुझे दे रहा हूँ, अभी तू बोल। क्यारा शायद इज विनिंग, हां ओके ठीक है, अभी तुम जवाब दो। क्यारा, अगर आप लड़का होती तो ऐसी कौन सी 3 हीरोइन हैं जिनसे आप फ्लर्ट करना चाहती? दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ और ऐश्वर्या राय। अच्छा, अगर यही सवाल उनसे पूछा होता एज अ हीरोइन आप किन 3 लड़कों से के साथ करना चाहती, तो कभी जवाब नहीं मिल जाता। रणवीर सिंह, वरुण धवन और शाहिद कपूर। शायद आप अगर लड़की होते तो आप कौन से 3 हीरो के साथ फ्लर्ट करना चाहते? कपिल शर्मा। देखो शुक्रिया, आप भी शादीशुदा, मैं भी शादीशुदा, इक्वल है। या कोई ये नहीं बोल सकता इट्स अनफेयर रिलेशनशिप, इक्वल। और दो शादीशुदा लोगों को ढूंढते, अक्षय कुमार बहुत फिट हैं, यस आई लाइक हिज फिटनेस, क्लाइंब कर जाते हैं, नीचे उतर जाते हैं, आई लाइक इट, इज एक्साइटिंग। और थर्ड कोई यंगस्टर को ढूंढता हूं मैं, वरुण धवन। ओके, अच्छा, किसी लड़के में आप सबसे पहले कौन सी 3 चीजें नोटिस करती हैं? शूज और आंखें, स्माइल। आंखें, शायद आप किसी लड़की में 3 चीजें कौन सी नोटिस करते हैं? आंखें, स्माइल और वो अपने आसपास जो दूसरी लड़कियां हैं उनको कैसे ट्रीट करती हैं। अच्छा, वेरी नाइस। लड़कियों और लड़कियों के बीच में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। कुछ लड़कियां होती कॉलेज में ना, उनके साथ एक और बहन जी टाइप जरूर होती है जो उसको नहीं पटने देती किसी के साथ, खुद उसका अफेयर किसी के साथ नहीं होता और उसका भी नहीं होने देती। चल चल रहने दे, तो देखता रहता है ना? होती है कई मनहूस लड़के, हमेशा उससे दोस्ती पहले करते हैं, बहन बनाते हैं उसको, सबसे बहन नहीं बनाते, पहले उसके साथ फ्लर्ट करते हैं ताकि वो यू नो सडनली उनको पसंद करने लगे, ताकि वो उस तक पहुंच सके। बहन थोड़ी बनाते, बहन बनाएंगे तो वो और अपसेट हो जाएगी। ओके, अच्छा, 3 चीजें जो आपको फ्री में अच्छी लगती हैं? होटल में कभी कभी यू नो समटाइम्स गेट नाइस सोप्स एंड ऑल ना, क्रीम्स तो बैग में रखती हूँ कभी कभी, हैंड क्रीम्स, ऑल गर्ल्स डू दैट, या हैंड क्रीम वेरी नाइस फ्रॉम व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। मैं तो आदम का तौलिया भी रख लेता हूँ। मुझे फ्री का वाईफाई बहुत अच्छा लगता है। फ्री का वाईफाई, फ्री वाईफाई मिलता है यार, बहुत अच्छा फील होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, खाने के नाम पे सबसे पहले कौन सी 3 चीजें आपके दिमाग में आती हैं? गुलाब जामुन। अच्छा, और डोंट लाई, दूधी, करेला, डोंट लाई। नहीं नहीं, वो सब चीज तो खानी पड़ती है, इससे दिमाग में दूसरी चीजें आती हैं। एक्चुअली जो आदमी खा नहीं सकता, हाँ, जो खा नहीं सकता वही आता है दिमाग में, समोसे, फ्रेंच फ्राइज, चॉकलेट। बड़ी सर, कितनी लंबी लिस्ट होगी ना। अच्छा, ये लड़कियों का ये नया होता है कि खाना जैसे ही आता है हमको कैसा होता है कि इमीडिएटली वांट टू ईट इट, वेट 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 वेट, फिर फोन निकाल के उसका फोटो लेना, फिर उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना। अरे इंसान भूखा है, How dare you take a bite from that? You spoiled the entire dish. अच्छा, आपने ऐसा सुना है कि खाने के अलावा बचपन में आपको पेंसिल और इरेजर ये सब चीजें आप चोरी कर लेती थी? नहीं यार, मैं चोर नहीं हूँ। इसको क्लेप्टोमेनियाक बोलते हैं। It's okay, you can say yes. We won't judge you. हम सब के अंदर खामियां हैं क्यारा। देखो, जो अपना नाम बदल सकती है वो चोरी क्यों नहीं कर सकती? अब वैसे कौन से स्कूल में पढ़ी, कह रहा है वी जस्ट वांट टू नो, मुझे जानना है कि ऐसी लड़कियां कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? हमारे साथ जो पढ़ती थी ना कपिल, अगली क्लास कौन सी है? कट, भाग गया था। ये हमारे स्कूल में एक्चुअली लड़के ऐसे होते, लड़के ऐसे थे वो एक्चुअली, मेरे को मतलब मेंटली मुझे ना वो याद आ गए विजुअल्स, यू डिड इट एग्जैक्टली लाइक हाउ इट हैपेंस। मेरी क्लास में भी ऐसी लड़कियां थी और 30 लड़के थे और 4 लड़कियां थी और ऐसी थी, हां ऐसी थी। और फिर अच्छा शायद भाई, कह रहा फिल्म जब रिलीज होगी उसके बाद करोड़ों रुपए कमाएगी, वो तो बात की बात है, लेकिन आज हम आपको यहाँ पे लाइव बहुत सारी चीजें कमाने का मौका दे रहे हैं जी। आप अलाउ करें तो मंगाए के भैल करोड़पति खेलेंगे, लेके आइए।
हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खेला में जिसका नाम है के भायल करोड़पति। सबसे पहले तो हमारे साथ हैं वो जिनकी तारीफ करने के लिए दिल हो जाता है मजबूर, तो वन एंड ओनली कबीर सिंह से हैंडसम शाहिद कपूर। दूसरी है वो जो इतनी ज्यादा खूबसूरत है जितना नहीं है सागर में पानी, तो वेरी रैविशिंग कियारा आडवाणी। तो वैसे आपको यह भी बता दें कि आज ये खेला खेलने के लिए बॉलीवुड के दो बहुत ही मशहूर, बहुत ही बड़े नकली सुपरस्टार आ रहे हैं। अबे दही के भल्ले, बदायूं के लल्ले, रास्ते की धूल, अर्थी के फूल, शनिवार रात ही हमको नींद नहीं आती, जो बैठ ससुर के नाती। बॉलीवुड में लगता है हमको अपना स्टाइल सबसे प्यारा। हेलो शाहिद, हेलो क्यारा। तो शाहिद जी, ये क्यारा जी है नकली शत्रु जी हैं और नकली शत्रु ये असली मोटा। वैसे ये हैं हमारे एक्सपर्ट। वैसे शत्रु जी आपको बता दें, आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हो सकती थी, हुई नहीं। चलिए हम खेला शुरू करते हैं। एक मिनट, खेला शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहते हैं कि मेरे और अर्चना के बीच में कुछ नहीं चल रहा। We are just good friends. कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम बेकार में डर रही थी, परेशान हो रही थी, भयभीत हो रही थी। चलिए खेला शुरू करने से पहले खेला के कुछ रूल्स हैं आपको बता दें। इसमें फनी क्या था भाई? अरे कॉमेडी शो है इसलिए हंस रहे हैं। खेला के कुछ रूल्स हैं आपको बता दें। आप फोन अ फ्रेंड भी कर सकते हैं या फिर आप ऑडियंस पोल भी ले सकते हैं, एक्सपर्ट की राय भी ले सकते हैं अगर एक्सपर्ट आपको राय दें तो। वैसा लेने लायक है नहीं राय, छोड़िए। अर्चना जीतू रहो, शाहिद जीतू रहो, कियारा जीतू रहो, और हम तुम औकात में रहो। शत्रु जीतू रहो, खामोश रहो, जीतू रहो, खामोश रहो, जीतू रहो, खामोश रहो, जीतू रहो, खामोश रहो, जीतू रहो, जीतू रहो, जीतू रहो, जीतू रहो, जीतू रहो, अरे जीतू रहो, अरे जीतू रहो, अरे जीतू रहो, 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 नाच पे नाच करे, खेला शुरू करने का गैंडे कहीं। अरे तो कर तो रहा है, मौका देंगे तो। शांत हो जाइए, अपना तशरीफ रखिए। जरा ये 2000 के नोट पे बैठ जाइए, इससे क्या होगा? क्योंकि जितना इसका वजन है इसका छुट्टा तो हो ही जाएगा। बहुत हंसाया, बहुत हंसाया। सर खेला शुरू करते हैं, एटलीस्ट कोशिश तो करते हैं, शायद कर दें। जी जी। तो सबसे पहले शायद जी, हमने देखा है कबीर सिंह। ये लॉक यहाँ पे जवाब होते हैं, ये लॉक हो गए हैं, पता नहीं क्यों, पर एनीवेज चलिए खेला शुरू करते हैं। तो आपकी फिल्म यार, हम खेला आगे बढ़ाएंगे। सर रिलैक्स हो गए? हो गए, हो गए। ये तो देखिए पावर है हमारे अंदर यार। ये छोड़िए इन चीजों को यार, चलिए अब खेला आगे बढ़ाते हैं। हमने आपका फिल्म का देखा, फिल्म के अंदर आप काफी मदिरा पान कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी जो जीतेंगे ना वो पैसा नहीं होगा, नो मनीज। अच्छा। आप मदिरा पान की कुछ वस्तुएं जीतेंगे। अच्छा जी हाँ। तो सबसे पहला सवाल हम आपसे पूछने जा रहे हैं, ये शीशे के ग्लास के लिए। अरे ये क्या बात हुई, ये इतने बड़े बड़े लोग आए, शीशे का ग्लास
मेरी तरफ से एक व्हाइट जूता भी ऐड करो। लेट्स हेड। पहला सवाल शीशे के ग्लास और एक व्हाइट जूते के लिए, ये रहा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। आपकी फिल्म का एक गाना है गंदी बात। हम जानना चाहते हैं कि गंदी बात में गंदा क्या है। यार इसमें क्या फनी था यार। क्या है? I have no idea. गंदी बात में गंदा क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, जी जी, हीरो ने जो बात कही वही बहुत गंदी थी। गंदी थी। अच्छा। ऑप्शन बी, बात ठीक थी, लेकिन जो हीरो की सोच थी वो गंदी थी। ऑप्शन सी, सोच भी ठीक थी, बात भी ठीक थी, वो जगह जहां पे बात की गई वो गंदी थी, उस वजह से बात गंदी हो गई। या ऑप्शन डी, बहुत ज्यादा गंदी बात है यार, फैमिली शो पे बता नहीं सकते। आप एक्सपर्ट की राय भी ले सकते हैं। जी जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपर्ट की राय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी तो जी, बिल्कुल। देखिए, मैं पहली बार इस शो पे सच बोलना चाहूंगा। पहली बार मेरे और अर्चना के बीच में कुछ नहीं है। We are just friends. Yes. देखना अर्चना, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। बेचारी डर रही थी, घबरा रही थी। एक बात समझ में नहीं आया, इनके साथ भी आपका नहीं चल रहा है, इनके साथ भी नहीं चल रहा है, हमारे साथ तो नहीं चल रहा है। नहीं नहीं, अगर चल रहा है तो बता दीजिए, हमें आगे भी बताना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। थोड़ा ऐसा लाइबिलिटी है लाइफ में। शत्रु जी, आप कुछ राय देना चाहेंगे? खामोश, ये राय है। खुद से एक कप चाय नहीं दी जाती, हमसे हमारी राय ले रहा। अरे वैसे क्या रहा, तुम्हें हमको सामने देख के मन में कुछ आ रहा है? क्या आ रहा? तेरी भैंस का चारा। कान के नीचे दो लगाऊंगा, हो जाएगा बधाई को लल्ला। इसमें राइमिंग मिली नहीं, हम मिलने भी नहीं देंगे। राइमिंग बड़ी हो रही है, कोई अच्छा सा लड़का देख के उसकी शादी करेंगे। और हाँ, शाम आए तो कहना चेनू आया। जीतू जी, आपके दोस्त हैं, समझाते क्यों नहीं यार? खबरदार, अगर इसको समझाने के लिए बोला नहीं तो तेरी खोपड़ी थर से खोल के फर पी जाऊंगा। यार ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है ये। मैं बता रहा हूँ, मारपीट से कुछ नहीं होगा। देश में एकता बना के रखो। हाँ। ये बात सही बोली है ना, हमें एकता के साथ काम करना चाहिए। सही बोल रहे हैं आप, सही बोल, सही बोल रहा हूँ ना मैं। हेलो एकता। अरे यार, दे आर रेडी टू वर्क विथ यू यार। जय माता दी। हैं? अरे नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, मैं अभी फोन नहीं करूंगा। ओके। अरे क्या हो गया, एकता ने डाटा? नहीं, असली जीतू जी ने फोन उठा लिया था। बहुत प्रॉब्लम हो गई, गालियां दे रहे थे। आपको डांट पड़ी, हमको बड़ा मजा आया यार, अच्छी बातें पढ़नी भी चाहिए। सर, हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए बी सी डी, चार ऑप्शन है आपके पास। अब क्या लगता है, क्या रहा? डी। डी, लेट मी चेक। लेट मी चेक। वाहो, वाहो! अरे ये क्या हो गया? वाहो! एकता, इधर एक हाथी पागल हो चुका है। चल दिया एकता, क्या हुआ? सही जवाब है यार, सही जवाब, क्या बात है। अगर सही जवाब है तो डराने की क्या जरूरत है? क्या होता है? आए, शत्रु बैठ जाए। देखिए, जवाब आपने सही दिया है जी। तो ये शीशे का ग्लास आप जीतते हैं। ये हम आपको बाद में दे देंगे। नहीं, आप प्लीज, जगह है, जगह है। व्हाइट जूता। थैंक यू। ना, जूता आपको बाद में मिल जाएगा। जीतू जी, जूता दे। ओके, गिफ्ट टू द बेस्ट डांसर शाहिद। एक ही निकल रहा है, दूसरा प्रॉब्लम में है। ये एक मेरी तरफ से गिफ्ट। जीतू रहो बेटा, वाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो हम आपसे पूछ रहे हैं वो है एक कटोरी आइस के लिए। वाह, अच्छा। शाहिद जी, जी, ये आइस आप ग्लास में भी डाल सकते हैं। भी, भी? भी? मेरे कैरेक्टर को ग्लास में डालना सूट नहीं करता। बड़ा दे दीजिए। आइस है आपकी, पैंट है आपकी, जीवन है आपका, देख लीजिए जैसे आपको सूट करे। अरे ओ चार कोप के भिखारी, ये क्या खेल रहा है? बड़े बड़े लोग आए, व्हाट इज दिस यार, आई डोंट लाइक। तो बड़े बड़े लोग आए, ऐसे नहीं तो कैसे खेलते? आइस वाइस कौन देता है यार? एक मिनट,
हाँ ठीक है, ये मोजा भी दे दो साथ में, तो मौजा ही मौजा भी करेंगे हम लोग चाय के साथ ही। ये बात हुई यार, ये क्या है? तो लीजिए सर, एक कटोरी आइस और एक मोजा, के लिए। ये रहा आपका अगला सवाल, आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे। आपने कहावत तो सुनी होगी, लोग कहते हैं कि यार मैं कहीं का नहीं रहा, तो ये जो कहीं के नहीं रहते वो कहाँ रहते हैं? वाह वाह वाह, हम बताते हैं जो कहीं के नहीं रहते वो खामोश रहते हैं, शांत रहते हैं, स्वयं भू रहते हैं। हमको पता नहीं, हम तो जू पे रहते हैं। जो कहीं के नहीं रहते आप वो कीजिएगा, लेकिन आपका घुटना लीक हो रहा है। एक अच्छा सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ, बता तेरे पेट के नीचे टांगे है कि नहीं? अरे आपके घर पे नेल कटर तो होगा? नेल कटर? हाँ, तो नाखून काट लिया करो, नहीं तो पूरे के पूरे भालू लगोगे। बहुत बढ़िया। तो हमने पूछा के जो कहीं के नहीं रहते वो कहाँ रहते हैं? रहे? आपके ऑप्शन है ए, वो ईगो में रहते हैं। वाह। ऑप्शन बी, वो ट्रैफिक में रहते हैं, ट्रैफिक होता है आजकल सड़कों पे काफी ज्यादा। ऑप्शन सी, वो बेख्याली में रहते हैं, जैसे आपकी फिल्म में आप रह रहे हैं। यस यस। या ऑप्शन डी, जहाँ रहते हैं वहाँ रहे, यार 150 करोड़ लोग यहाँ वहाँ रहते हैं, एक और रहेगा क्या फर्क पड़ जाता है, रहे। तो ये हैं आपके ऑप्शन, बताइए क्या राजे? देखो मुझे तो लगता है बेख्याली में रहते हैं। बेख्याली। लेट मी चेक। लेट मी चेक। अरे बैठिए यार, हम कह रहे हैं कि सही जवाब है यार, कंग्रेचुलेशन। ये लीजिए। इस बार अगर तुमने ज्यादा खुशी दिखाई तो तेरे में हद कर दूंगा। अब शांति से बैठ जाइए, अपनी तशरीफ रखिए प्लीज, टिकाइए जरा। ये आइस आप जीते हैं। आ, मोजा देना भूल गए। हाँ मोजा 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 एंजॉय योरसेल्फ लीजिए। तो ये लीजिए, अब आ रहा है अगला सवाल, एक बोतल तरल पेय के लिए। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। हमें बताइएगा कि कुत्ता गाड़ी के टायर या खंबे पर ही सुसु क्यों करता है? आपके ऑप्शन है ए, कुत्ते को टायर पे फायर करने में मजा आता, इट्स प्योरली एंजॉयमेंट। ऑप्शन बी, या वो टायर पर सुसु करके प्रयोग कर रहा है कि शायद इससे गाड़ी चल जाए, नेवर नो नेवर नो। या फिर वो खंबे पे इसलिए सुसु करता है ताकि खंबा हो जाए लंबा, विशफुल थिंकिंग। या ऑप्शन डी, या खंबे पर इसलिए सुसु करता है ताकि खंबे पर पानी डालकर वो खुद से बिजली उत्पन्न कर पाए। एक मिनट, ये बिजली के खंबे से मुझे करंट बात याद आई है। अच्छा। कि दोस्तों मेरे और अर्चना के बीच में कुछ नहीं चल रहा है, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। क्या बात क्या बात। अरे यार ये डायलॉग तो मिथुन का है। क्या बात क्या बात। ये डायलॉग मिथुन का है, जो तेरा बीच बीच में जीतू की जगह गोविंदा निकल रहा है, मैंने कुछ कहा? ये खेला को आगे बढ़ाया जाए, आती सब बढ़ा रहे हैं मिस्टर व्हाइट हाउस। चलिए ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जी। लेट मी चेक। ये क्या कर रहा है? नहीं नहीं, आ जाओ यार, जवाब सही दिया है, इसके लिए बोले। डराइए मत, जो हम हारे हैं हम जानबूझ के नहीं हारे। हाँ। नहीं नहीं, हम खाली बता रहे हैं कि वो... अरे बैठिए यार, आप जीत गए हैं। ये रही तरल पेय की बोतल, कांग्रेचुलेशन, जोरदार तालियां हो जाए। व्हाट अ विनिंग स्ट्रीक। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।